स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन्स। लास्ट टाइम हमने सिलिकेट्स का टॉपिक फिनिश किया है सिलिकेट्स जो थे ये क्या थे ये मेटल सॉल्ट थे सिलिक एसिड के मेटल सॉल्ट ऑफ सिलिक एसिड्स सिलिकेट्स के अंदर इनिशियली हम लोगों ने सोडियम सिलिकेट देखा था विच वॉज एन इसको हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं और इसके साथ हम लोगों ने फिर आर्टिफिशियल गार्डन या केमिकल गार्डन भी डिस्कस किया था एंड देन इन द री मोस्ट रिसेंट लेक्चर हमने कैल्शियम एलोमिनियम और मैग्नीशियम के रिस्पेक्टिव सिलिकेट्स देखे थे जिनमें हमारे पास एक तो क्ले थी ठीक है फेल्ड्स पार था और ये मुख्तलिफ़ ओर थे जो ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं

सिलिकॉन Silicon और सिलिकॉन्स ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं सिलिकॉन तो सिंपली एस SI को कहते हैं सिलिकॉन्स इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनके क्या फीचर्स होते हैं इनके ये फीचर्स होते हैं कि si o, si o, si o. ये चेन तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो ना कि ये तो यूं चेन होती है अब इसके साथ आपने ये स्टडी किया था कि ऊपर नीचे हर एस si के साथ दो दो फर्दर ऑक्साइड्स बॉन्डेड होते हैं ठीक है यहाँ पे फिर ऑक्सीजन हर सिलिकॉन के साथ चार ऑक्सीजन्स बॉन्डेड होते हैं और फिर उन ऑक्सीजन के साथ फर्दर सिलिकॉन्स बॉन्डेड होते हैं लेकिन अगर उस सिलिकॉन्स की जगह अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बजाय इसके कि मैं वहाँ पे सिलिकॉन्स अटैच करूं लेट्स पुट सी एच थ्री हियर सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री और इसी तरीके से यहां पे आप नीचे एच लगा दो एच 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 तो अब ये जो कंपाउंड पूरा बना है ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सिलिकॉन। और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू हो रहा है ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह आप कार्बन की लॉन्ग चेन्स बनती है ना कार्बन मेक्स लॉन्ग चेन्स और कैटिनेशन का फीचर है और उसी कैटिनेशन की बिना पे हम कार्बन की पूरी हमने फील्ड बना दी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिस के ऊपर सिलिकॉन भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स देता है जिनके अंदर लॉन्ग चेन्स बनी होती हैं और कुछ उसमें अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं ठीक है अब लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस कि व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स एंड कार्बन और सिलिकॉन का क्या रिलेशनशिप है कार्बन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड देता है सीओ इसके अलावा कार्बन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है सीसीएल कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस इट्स अ लीनियर स्ट्रक्चर सी सी एल फोर में कार्बन के चारों तरफ चार क्लोरीन एटम्स लगे हुए होते हैं ये टू डी में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ थ्री में मैं ये थ्री डी के अंदर ये टेटा के साथ जुड़े हुए होंगे इसी तरह कार्बन के साथ चार दफा मेथाइल ग्रुप भी आप जोड़ सकते हो सी सी एच थ्री फोर और ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री एंड सी एच थ्री आपने ऑलरेडी भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा हुआ होगा ये जो कंपाउंड अभी मैंने लिखा है इसको हम नियोपेंटेन भी कहते हैं प्रॉब्लली अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो हम इस कंपाउंड को नियोपेंटेन कहते हैं या आप यह भी कह सकते हो कि तीन कार्बन की एक चेन है और सेकेंड कार्बन के ऊपर दो दफा मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आप इसको टू टू डाई मेथाइल

आप सिलिकॉन तो से भी इसको रिप्लेस कर सकते हो और सिलिकॉन भी इसी तरह के कंपाउंड यील्ड करता है ठीक है यानी सिलिकॉन के भी चार तरफ आप अगर ये लगा दो और सिलिकॉन के चार तरफ ये लगा दो तो भी ये कंपाउंड बन जाते हैं मसलन अगर कार्बन के चार तरफ एच लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं सी के चार तरफ अगर आप हाइड्रोजन लगा दो तो इस कंपाउंड को बोला जाता है मैथेन इसी तरह अगर आप सिलिकॉन के चार तरफ हाइड्रोजन लगा दो क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों चार चार ही बॉन्ड्स बनाते हैं तो इस कंपाउंड को फिर हम बोलते हैं सिलेन जिस तरह वो मैथेन है ये सिलेन है इसी तरह जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है इसी तरह सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन uh, और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज का आपको अब आइडिया हो गया कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर ये बात आपको ऑलरेडी भी पता थी नाउ लेट सी इफ यू हैव कार्बन जिसके ऊपर नीचे दो दफा क्लोरीन लगा हुआ है ठीक है और दो जगह पे उसके दो साइडों पे तो आपने क्लोरीन लगाया हुआ है दो साइडों पे आप सी एच थ्री ग्रुप इसके लगा दो ठीक है और जब इस कंपाउंड का आप रिएक्शन करवाओ विद वाटर तो क्या होगा वाटर क्या होता है हाइड्रोजन इज पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिव तो वाटर जो है वो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव है तो वो इसको अटैक करेगा ये दोनों आपस में रिएक्शन कर देंगे और ये एच सी एल बन जाएगा और ये जो ओ एच है ये आके यहां पे लग जाएगा सिंपल सब्सटीट्यूशन हो जाएगी यानी सी एच थ्री सी सी एच थ्री ये यूं ही रहेगा यहां पे आके सीएल की जगह ओ एच लग जाएगा और ये सीएल और एच मिलके के एच सी एल बना देंगे इसी तरह यही वाली पूरी कहानी नीचे भी होगी एक दफा यानी दो ओ एच और ओ एच आपको चाहिए होंगे दो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको चाहिए होंगे इसी तरह एक और एच सी एल प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे भी आके ओ एच लग जाएगा ठीक है दिस इज द इनिशियल स्टेप जो कि इस प्रोसेस के अंदर होता है एंड बेसिकली दिस इज नॉट कार्बन दिस इज सिलिकॉन यू कैन रिप्लेस इट विद सिलिकॉन क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अब देखो आपके पास एक इस तरह का कंपाउंड बन गया एक कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन की दो साइडों के ऊपर सी एच थ्री सी एच थ्री लगा हुआ है ये जरूरी नहीं है कि सी एच थ्री हो ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं कोई भी कार्बन की चेन जो स्ट्रेट चेन आपके पास हो या ब्रांच हो इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं वैसे तो इसके साथ सारे हाइड्रोजनस लगे हुए होते हैं ना मसलन ये जो अभी मैंने बनाया है फोर फाइव सिक्स तो ये मैंने हेगजेन बनाया है लेकिन अगर आप इसके सारे हाइड्रोजन लगे रहने दो और कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉर्नर वाला जो है ना वन टू एंड थ्री अब इस वाले से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और ये आम खाली छोड़ दूं, अभी इस बाजू को या इस एक बॉन्ड को आप यहां पे आके जोड़ सकते हो इस जगह पे ठीक है मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस जगह पे सिलिकॉन के साथ अब बजाय इसके रिप्लेस रिप्लेस करो आप ये पूरी चीज भी रिप्लेस कर सकते हो और फिर ये मेथाइल ग्रुप नहीं कहलाएगा बल्कि हेग्जाइल ग्रुप कहलाएगा एंड से ए एन ई आप हटा के वाई एल अटैच कर देते हो ठीक है तो हेग्जाइल ग्रुप यहाँ पे आगे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि दोनों साइडों पे एक ही ग्रुप लगा हो आप कोई भी दो ग्रुप्स लगा सकते हो ठीक है अच्छा अगर यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है तो लेट्स नाउ डिस्कस एग्जैक्टली वर्ट सिलिकॉन्स आर सिलिकॉन के आप ऐसा करो कि दो साइडों पे आप कोई हेलाइट ग्रुप्स लगा दो हेलाइट में भी एग्जैक्टली exactly क्लोरीन होना जरूरी नहीं है हेलोजन कोई भी आप दो लगे हुए हो हेलोजिन आपके पास कौन कौन से हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन इन चारों में से कोई भी लगा हुआ है नॉर्मली आपके पास क्लोरीन या ब्रोमीन ही अटैच्ड होते हैं सिलिकॉन के दो साइडों पर यह हुआ है बाकी दो साइडों के ऊपर आप कोई भी अल्काइल चेन्स लगा दो यहां पे आर वन और यहां पे आर टू अल्काइल चेन्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल चेन ये कौन सी हो सकती है ये नॉर्मली छोटी छोटी चेंज होती हैं मेथाइल चेन हो सकती है यानी सिंगल कार्बन चेन इसके अलावा एथाइल चेन हो सकती है डुअल कार्बन चेन या प्रोपाइल ट्रिपल कार्बन चेन या ब्यूटाइल फोर कार्बन की चेन या पेंटाइल फाइव कार्बन की चेन या हेक्साइल सिक्स इसी तरह हेप्टाइल एंड ऑक्टाइल नॉनाइल एंड डेकाइल आई होप आपको ऑलरेडी ये वाली सारी वो याद होगी कि सिंगल कार्बन से लेके टेन कार्बन तक हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं ठीक है तो यह आपके पास मुख्त अल्काइल ग्रुप्स हैं ये आर वन और आर टू इनमें से कुछ भी हो सकते हैं सबसे पहली दफा आपने ये करना है कि इस पूरे का आपने रिएक्शन करवाना है विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ठीक है टू एच ओ एच के साथ एच ओ एच एंड एच टू ओ बेसिकलीम थिंग अब होता यह है कि ये आर वन जो है सॉरी एक्स जो हैलोजन चार्ज सिलीकॉन इज पॉजिटिवली चार्ज तो ये हेलोजन जो होगा ये रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन और ये इस वाले के साथ और इसी तरह जो कि दो हाइड्रोजन थे तो एक और हाइड्रोजन इस वाले के साथ रिएक्शन करेगा और ये दो दफा एच x बना देंगे ठीक है अब सिलिकॉन आप अगर बनाओ तो उसके ऊपर नीचे तो आर वन आर टू लगा हुआ है बट साइडों पे दो आर्म्स उसकी खाली हो गई है और इन दो आर्म्स के ऊपर दो ओ एच आके लग जाएंगे ठीक हो गया और फिर क्या होता है कि इस तरह की ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं ठीक है मैं इस वाले पूरे मॉलिक्यूल को नीचे इस मोलिक्यूल को हम कर लेते हैं कॉपी एंड लेट सी के स्ट्रक्चर आगे किस तरह प्रोपोगेट करता है ये आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गया इसी तरह एक और यू आता है इसके साइड पे इसी तरह एक और यू इसके साइड पे आता है ठीक है तीन साइड बाय साइड हम लोग देख लेते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ से एक एच और यहां से एक ओ OH एच जो हैं ये दोनों रिमूव हो जाते हैं वाटर बना देते हैं और ये सिलिकॉन ऑक्सीजन दोबारा आपस में बॉन्ड हो जाते हैं ठीक है विल टेल यू हाउ ये जो पूरा पार्ट है एच और ओ एच OH खत्म हो गए ये पूरा आके यूं यहां पे जुड़ गया इसके साथ ठीक है सिमिलरली दिस एच एंड दिस ओ एच रिएक्ट टूगेदर और इस ऑक्सीजन के साथ आके वो वाला सिलिकॉन जुड़ जाता है। इसको भी मैं आपको ड्रा करके बता देता हूं एच टू ओ रिमूव हो गया ठीक है एंड फर्दर आपके पास आ, ये इस तरह की चेन बनने लग गई सिमिलरली अगर एक और आपके पास होता जो कि ये चीज थी तो ये भी इसी तरह टूट जाता और यूं करके ये एच भी इसके साथ से पहले तो हटेगा ये एच और ओ एच पहले मिलेंगे एच ओ एच एक और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा इसको आप रेस कर दो और वो जो बाकी पूरा पार्ट रह गया उसको इसके ऊपर आके बना दो आप ये स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा एंड ये एक बात कंटिन्यू होती रहेगी जितनी लंबी आप चेन करना चाहते हो उतनी लेंथ आप उस चेन की कर सकते हो इस चेन की खसूसियत देखो जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताई थी सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन की एक लॉन्ग चेन बन गई है आपके पास जिसके ऊपर नीचे कोई दो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं ठीक है दिस चेन इज वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस चेन्स जो आप पढ़ रहे थे मैं अगर आपको रिकॉल करवाऊ जो प्रीवियसली चेन आपने पढ़ी है सिलिकेट्स सिलिकेट्स के अंदर तो नहीं जो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोडियम सिलिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ अब सोडियम सिलिकेट में ये हो रहा था कि ऊपर नीचे ओ तो थे सिलिकॉन के चारों साइडों पे ऑक्सीजन तो लगे हुए होते थे बट वो जो चेन थी वो ऊपर नीचे एन ए से टर्मिनेट हो गई थी एन ए एन ए एन ए एन ए एंड एन ए इस तरीके से पूरी चेन टर्मिनेट हुई हुई थी और आपने उसमें देखा था कि ये वाली जो पूरी चीज है ये बार बार रिपीट हो रही है देखो यही वाला पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है यही वाला पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है अब आपको इस ऊपर वाले के अंदर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच इज द थिंग दिच इज रिपीटिंग इस पूरे को हम इधर नीचे लेट्स लेट्स कॉपी दिस एंड फाइंड आउट इस पूरे के अंदर कौन सा ऐसा पूरा फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है इसमें इफ यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस इज द थिंग विच इज रिपीटिंग इट सेल्फ इज इट ये पूरा एक ग्रुप है

ये जो पूरा कंपाउंड बन रहा है दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन ठीक है इट्स नॉट कॉन इट्स कोन तो दिस इज सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ये आपके पास एक बन गया अब सिलिकॉन के ऊपर नीचे आपने अपनी मर्जी की कोई चीज लगानी है तो लेट्स बॉट यहाँ पे मैं तीन कार्बन की एक चेन लगा देता हूँ बल्कि दो कार्बन की कार्बन कार्बन ये सी एच थ्री सी एच टू इसी तरह नीचे मैं एक सिंगल कार्बन की चेन लगा देता हूँ सी एच थ्री और यहाँ पे ऊपर में सी एच टू सी एच थ्री यानी ऊपर एथाइल ग्रुप लगा हुआ है और नीचे मेथाइल ग्रुप सिमिलरली ऊपर सी एच टू सी एच थ्री एंड नीचे सी एच सी ऊपर सी एच टू सी एच थ्री एंड सी एच थ्री एंड द स्टोरी कंटिन्यूज आप जितनी दफा इस पूरे को लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट डाउन लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आप चेन को टर्मिनेट कर दो आपको याद होगा जहां पे चेन टर्मिनेट हो रही थी वहां पे ओ एच लिखा हुआ था इफ़ यू फाइंड आउट ऊपर जाके ये देखो ये ओएच के ऊपर चेन टर्मिनेट हो रही है यानी अगर जितनी भी दरमियान में चीजें लगी होंगी खत्म चेन ने ओएच के ऊपर आके ही होना है ठीक है सो इस पूरे कंपाउंड को आप कैसे लिख सकते हो ये एक पूरा ग्रुप है जो के बार-बार रिपीट हो रहा है ठीक है और इस ग्रुप को मैं लिखूंगा एसआई CH3 एक दफा उसके साथ लगा हुआ ब्रैकेट के अंदर इसी तरह सी एच टू सी एच थ्री एक और दफा उसके साथ लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर ओ वन आम वन आम यूं करके आप ब्रैकेट लगाओगे कि ये वाली चीज रिपीट हो रही है कितनी दफा रिपीट हो रही है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टाइम्स रिपीट हो रही है यहां पे एक एच लगा हुआ है और यहां पे एक

यूजेस और प्रॉपर्टीज को देख लेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सिलिकॉन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिलिकॉन्स को कैसे यूज में लाया जाता है ये इसे नेक्स्ट